सर आपका यहाँ आने का क्या तात्पर्य है? देखिए, हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से रोहिंग्या मुसलमानों की आबादी जो है भारत में बढ़ती चली जा रही है और देश के विभिन्न भागों में और ख़ास तौर से सीमावर्ती क्षेत्रों में बसते जा रहे हैं, जो कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और अब विभिन्न जांच एजेंसियों ने इस बात को बताया गया कि इनका जो है जिहादी आतंकवादियों से इनके संबंध हैं, तो इसलिए देश का आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं की जानी चाहिए और इनको देश से बाहर भगाया जाना चाहिए। इसी लक्ष्य को लेकर हमारा सनातन हिंदू वाहिनी ने आज जो है इस विरोध मार्च का आयोजन किया है और हम सरकार से मांग करते हैं कि इनको तुरंत ही जो अविलंब जो है इस देश से इनको बाहर निकाला जाए। और क्योंकि ये शरणार्थी नहीं, ये घुसपैठी है, इन घुसपैठियों को निकालना बहुत आवश्यक है। और इससे एक और जहाँ आंतरिक सुरक्षा को खतरा है, वहीं दूसरी ओर जो जनसंख्या का संतुलन है वो भी बिगड़ेगा। और जहाँ जहाँ भी मुस्लिम आबादी बढ़ी है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि हिंदुओं को पलायन करना पड़ा है, उनके जीने दुभर हो गया है। और साथ ही साथ इनके जो लगता है हमें कि इनके यहाँ बसाने के पीछे एक साजिश है, जिससे लगता है कि इस देश को ही एक मुस्लिम कंट्री बनाने की एक साजिश चल रही है। सर, साजिश की बात कर रहे हैं आप, तो साजिश की क्या साजिश है? साजिश देखिए ना, अब साजिश तो इन लोगों के संबंध जो हैं जो जिहादी आतंकवादियों से हैं और इनको विशेष रूप से जो है अब जम्मू के सांबा जैसे क्षेत्र में और सीमावर्ती क्षेत्रों में जो बताया गया है उससे लगता है, क्योंकि ये आतंकवादियों के जो शहर शिकार हैं इनके माध्यम से जो है आतंकवादी गतिविधियों को जो अंजाम दिया जा सकता है। और आप देखिए ना, वही देखिए कि जब कश्मीरी पंडितों को जब कश्मीर से भगाया गया तो वहाँ पर जब बसाने की बात आई तो वहाँ के कश्मीरियों ने उनका विरोध किया, लेकिन वहीं इन रोहिंग्या मुसलमानों को जब वहाँ बसाया गया तो किसी कोई विरोध में खड़े ना होकर बल्कि जम्मू एक्शन कमेटी उनके समर्थन में आई है कि उनको यहाँ बसाया जाए। तो इससे लगता है कि अंतर्निहित कोई ना कोई साजिश है जिससे कि हमें बचना चाहिए और आंतरिक सुरक्षा को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सर, आपका नाम? महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत, अध्यक्ष सनातन हिंदू वाहिनी। सर, एक तरफ कहा जाता है कि भारत धर्म निरपेक्ष राज्य है, तो इस तरीके की जो ये मुहिम चल रही है, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, बात धर्म निरपेक्षता नहीं की, एक राष्ट्रीय समस्या है और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में, इसलिए हम इस आंदोलन को कर रहे हैं। ये मजहबी बात नहीं है, ये बात है देश के आंतरिक सुरक्षा की और इससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मानवता की आड़ लेकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। जो लोग इन लोगों के पक्ष में तर्क दे रहे हैं या इनको बताने की बात कर रहे हैं वो राष्ट्रद्रोही हैं, उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। सर, कोर्ट के अंदर पहले ही हलफनामा दायर कर दिया गया है और इनको यहाँ से, पहली बात तो कोर्ट के अंदर जो याचिका दायर की गई है वो ही जो है इलीगल है, क्योंकि सेक्शन आर्टिकल 35 के अंदर जो प्रावधान है उसमें देश के नागरिकों को याचिका दायर करने का अधिकार है, घुसपैठियों को नहीं।